हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली पोको ने अपने पोको M5 स्मार्टफोन को जो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट भी आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन भी आ चुके हैं, सारी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स, एंड जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ मार्केट में इससे बेटर कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिल रहा है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको पोको M5 स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल एंड डिजाइन के अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे टिपिकल पोको वाला आपको डिजाइन देखने को मिलता है, फेक लेदर टाइप का आपको डिजाइन दिया गया है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त है, बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.58 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS डिस्प्ले मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन भी यहाँ पर दी गई है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करिए, इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। 464 से बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट 628 वाला वेरिएंट भी है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, साथ ही में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी यहां पर दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर एक नया 4G चिपसेट मिलता है, MediaTek का Helio G99 वाला, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड टू स्कोर की अगर हम बात करें, अराउंड 3.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, 50+2+2 मेगापिक्सल का, जबकि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, MIUI 13 पे यहाँ पर ये रन करता है, क्योंकि एक पोको का स्मार्टफोन है तो पोको लॉन्चर यहाँ पर दिया गया है। सेंसर्स की अगर हम बात करें, सारे सेंसर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करता है 18W की फास्ट चार्जिंग को, एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर भी डब्बे में देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं पोको के लेटेस्ट स्मार्टफोन पोको M5 में। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि इसकी प्राइस पॉइंट, क्या प्राइस पॉइंट पर पोको ने इसे लॉन्च करा है, देन अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। 464 वाले वेरिएंट की एक्चुअल प्राइस पॉइंट रखी गई है 12,500 रुपए, जबकि 628 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 14,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप पहले फ्लैश सेल में परचेस करते हो, आपके पास में ICICI बैंक या एक्सिस बैंक का कार्ड है, तो 1,500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ऑफर प्राइस पॉइंट की बात करें, जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा 11,000 रुपीज से, जबकि 628 वाले वेरिएंट आपको मिलेगा ऑफर के साथ में 13,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे। अब क्या ये प्राइस पॉइंट पे ये फोन बढ़िया है नहीं है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ओरिजिनल प्राइस पॉइंट है 12,500 रुपए, वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट है, ये भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं, ठीक ठाक से आप बोल सकते हो प्राइस पॉइंट है। लेकिन 11,000 रुपए अगर आप ऑफर के साथ में ले पा रहे हो तो स्मार्टफोन मतलब 11,000 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये स्मार्टफोन अभी फिलहाल के लिए परचेज मत करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बजट है 11,000 रुपए का, आप ऑफर में फोन ले पा रहे हो, तो मैं इसका सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर या इससे बेटर कॉम्पिटिटर बता देता हूँ, वो इसी की फैमिली का भाई है, पोको M4 Pro 4G। जी हाँ, एक्चुअल प्राइस पॉइंट तो 15,000 रुपए है, लेकिन ऑफर में आपने देखे होंगे बहुत बार ये इजीली जो अराउंड 11,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। एंड अगर आप पोको M5 एज वेल एज पोको M4 Pro 4G का कंपैरिजन करोगे, तो पोको M5 उसके सामने खड़ा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिजाइन तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के मिल जाते हैं, डिस्प्ले आपको पोको M4 Pro में आपको AMOLED मिल जाता है, जबकि यहाँ पर IPS डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो Helio G99 थोड़ा एफिशिएंट है, तो बैटरी आपको थोड़ी ला के दे देगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो रियल लाइफ में यूजेज की अगर हम बात करें, इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैमरास पोको M4 Pro में आपको बेटर मिल जाता है, प्राइमरी सेंसर 64 है, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है, जबकि यहां पर आपको 50+2+2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी कैमरा पोको M4 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जबकि सिर्फ यहां पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। साथ ही में पोको M4 Pro में आपको देखने को मिल जाता है डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, यहां पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, वहां पर आपको 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, यहां पर सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपका 11,000 रुपए के आसपास का बजट है, आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल तक का वेट कर सकते हो। पोको M5 आपको नहीं लेना है, आपको जाना है पोको M4 Pro 4G के साथ में। ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन डील रहेगी 11,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे। तो गाइस, ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ये दोनों स्मार्टफोन का क्लोज कंपैरिजन। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओवरऑल यहां पर आपको पोको M5 स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या आप 11,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आपके हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट सही है नहीं है, आप ये फोन लोगे नहीं लोगे, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।